फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल हेयर सोल्यूशन वीडियोज। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और नई वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज हम करने वाले हैं एक हेयर कट। तो ये जो हेयर कट है मैं स्पेशली आपको दिखाने वाला हूं लंबे बालों में और स्ट्रेट बालों में। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये बाल एकदम स्ट्रेट हैं, लंबे हैं। बहुत मुश्किल होती है जब आप स्ट्रेट बालों में हेयर कट करने जाते हो तो बहुत मुश्किल आती है। ये हेयर कट आज मैं करने वाला हूँ यस क्लिपर के साथ, विथ क्लिपर ओवर कॉम। तो ये बताऊंगा कैसे करना है, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। मैं पहले से अच्छे से शीट लगा लूंगा, अपनी कटिंग शीट जो है वो लगाना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। और मैं एक स्टूल लेके आ रहा हूँ बैठने के लिए, जिसपे बैठ के मैं हेयर कट करने वाला हूँ। तो मैंने चेयर जो है अपने लेवल पे ले आया हूँ। चेयर जो है लेवल पे होना ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या करोगे, सेक्शनिंग कर लोगे, ईयर टू ईयर वाला सेक्शनिंग। मैंने बाल आगे छोड़ दिए एक साइड के, अदर साइड अभी मैं सेक्शनिंग कर लूँगा। ईयर टू ईयर का लेवल का सेक्शनिंग किया। जस्ट ध्यान से देखिएगा, ऐसे हेयर कट में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं सबसे पहले ऐसे बताऊँगा आप लोगों को, अगर अनइवन हेयर्स हों, मैं पहले अनइवन बनाने वाला हूँ उन हेयर्स को। तो यहाँ से चॉप करना स्टार्ट किया मैंने, जस्ट सी इट, अच्छे से चॉप कर दूंगा कहीं ना कहीं से, ऊपर नीचे बड़े छोटे। तो इनको चॉप करने के बाद अभी मुझे एग्जैक्ट शेप देना है, जो मुझे स्ट्रेट शेप देना है। वो कैसे देना है वो आप ध्यान से सीखिएगा अभी। तो मैं एकदम स्टूल से भी, आई थिंक मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। मैंने कॉम रखा है, एक स्ट्रेट कॉम रखने के बाद उसके ऊपर क्लिपर चलाना स्टार्ट किया है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। जो आपका कॉम है वो स्ट्रेट रहना चाहिए हमेशा। ये कॉम मेरा स्ट्रेट है। अभी मिडल में बाल जो हैं वो छोटे हैं, ऑलरेडी मैंने काटे थे। तो अब धीरे धीरे करके आराम से, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको अभी कि अभी सारे काट देने। सेक्शन बाय सेक्शन थोड़े थोड़े लेके धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट करिए। अभी भी मिडल में छोटे हैं, उसके बाद हम एक और सेक्शन में करेंगे। अगर आपसे कोई गलती हो रहा है तो वो आप सुधार लेंगे अगर आप थोड़े थोड़े करके काटना शुरू करेंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़े थोड़े पतले पतले सेक्शन में काटें। मैंने कॉम रखा है एक स्ट्रेट में और फिर उसको काटना स्टार्ट किया। अभी थोड़ा सा है गलती एक जगह पर, अब देखिएगा उसको सुधारेंगे, अच्छे से सुधारेंगे उसको, अच्छा एक फिनिश लाइन देंगे। काफ़ी क्लाइंट आते हैं पता है ऐसे, जिनको एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए होता है। तो आप इस तरीके से स्ट्रेट हेयर में एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाना है तो ऐसे ही बना सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये बहुत काम करने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अगर क्लाइंट सर ऊपर करेगा तो उसके बालों का हेयर का शेप जो है वो यू हो जाएगा, और अगर बैक टू नॉर्मल आएगा तो स्ट्रेट रहेगा। राइट साइड में देखेगा और लेफ्ट साइड में देखेगा तो भी शेप चेंज हो जाएगा, जस्ट सी इट, है ना। तो आप को क्लाइंट का सर हमेशा टिल्टेड रखना है, आगे की तरफ झुका हुआ रखना है। जो उनका चिन है उनकी चेस्ट के साथ टच होना चाहिए, स्किन के साथ टच होना चाहिए, ताकि जो बाल हैं वो एक लेवल में अच्छे से कट पाएं। तो जैसे ही ये कट जाता है, कहीं पे आपको लगता है कि कोई बाल रह गए हैं तो आप काट दें। यहाँ पे कहीं पे लग रहा है तो जस्ट सी इट और उसको काट दें। तो मुझे लग रहा था कहीं पे गलती है, थोड़ा सा गलती ऑब्वियसली सबसे होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको काट लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो ध्यान से सारे बालों को अच्छे से काट लेना। ये हेयर कट हो चुका है, ये स्ट्रेट लाइन ही है, बट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये कैसे हमने काटा है दूर से। जैसे ये ध्यान से देखिएगा, ये कैमरा डायरेक्शन शायद इस पोजिशन पर पड़ा हुआ, वो लग रहा था शायद टेढ़ा, बट टेढ़ा नहीं है, वो राइट डायरेक्शन में स्ट्रेट है। तो ये हेयर कट जो है अभी हमने सिर्फ बैक का कंप्लीट कर लिया है, आगे का बाल बाकी हैं। और उसको मैं करके दिखाने वाला हूं एकदम डिफरेंट वे में। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही पूरा हेयर कट होता है जस्ट सी इट। ओके, ये हेयर कट होने के बाद एक परफेक्ट शेप फ्रंट से भी देना बाकी है मुझे। बैक से स्ट्रेट शेप हो गया। इन बालों में हमने किया था पहले कैरेटीन, सॉरी स्मूदनिंग देन कैरेटीन। मैं काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हम साथ में कर सकते हैं,
मैंने स्मूथनिंग किया, एक हफ्ते बाद मैंने कैरेटिन किया। जस्ट सीट एकदम स्ट्रेट लाइन पिक्चर मैंने अपलोड किया। इसके बाद हम करके दिखाने वाले हैं इसमें हेयर के फ्रंट में क्या करने वाले। तो यहां पे क्लाइंट के हेयर के फ्रंट में हम एक शेप देंगे, स्ट्रेट शेप। तो इसको बालों को स्ट्रेट करना शुरू करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बता दूं अभी के अभी, जस्ट वेट करिए। दोनों साइड आपको अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है। मैंने बालों को कॉम किया, आगे लेके आया, शेप स्ट्रेट। ध्यान से देखिएगा, हमने बॉक्स का एरिया ले लिया है, ए शेप बनाया है, इसको कॉम करेंगे, मिड ऑफ द आईब्रो से ए सेक्शन लिया है, उसको कॉम करेंगे और मुझे इसको जिगजैग में काट लेना है। अभी इसको बैक वाले हेयर्स के साथ मर्ज करना है। जस्ट सी इट, जस्ट सी इट, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने एकदम स्ट्रेट शेप में काट दिया है इनको, लेयर्स ऐड हो चुकी हैं। तो जहां पे आपको लग रहा है कहीं अनइवन है, क्योंकि स्ट्रेट बाल ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती है, फ्री हैंड कटिंग है, आप काट सकते हो। एक साइड के मैंने बाल काट दिया, अभी अदर साइड में काटेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने उस साइड भी काटना स्टार्ट किया। आपको अच्छे से शेप देना है। अगर आपको लगता है कहीं पे बाल रह गए हैं तो आप उसको भी अच्छे से काट लेंगे। इतना पेशेंसली पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, आई नो। मैं थोड़ा सा स्लो ज़रूर पढ़ाता हूँ, बट डिटेलिंग में पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो इन फ्यूचर। यहाँ पे मैंने ए सेक्शन कर लिया अभी बैक के हेयर्स में, जो हम हमेशा करते हैं लेयरिंग में। जिन लोगों ने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है वो प्लीज़ इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लें, जो कि वीडियो स्क्रीन पे बार बार दिखाई दे रहा है, हेयर सॉल्यूशन, और ऊपर हमारा नंबर है, उसको भी लिख लें। कोई प्रॉब्लम आती है या ज्वाइनिंग करना है आपको हमारा चैनल, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको चैनल ज्वाइन करवा देंगे। जो भी बाल बड़े लग रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा जिगजैग सेक्शनिंग में काटना शुरू करूँगा। जस्ट येट, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेट बालों को काटना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, बट उसको एक राइट वे में काटना शुरू करें, जिगजैग राइट वे में काटना शुरू करें। जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ वो एक्चुअली मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, जब आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं करवा भी सकता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एक साइड के बाल किए, अभी हम आ जाएंगे दूसरी साइड, वहाँ भी काटना स्टार्ट करेंगे। तो मैं पीछे वाले बाल और आगे वाले का बाल जो हैं उनको मिक्स करके काटना शुरू करूंगा। जहाँ पे आपको लग रहे हैं बड़े उनको जिगजैग में काटना स्टार्ट कर दो। जस्ट सी इट, मतलब इतना डिटेलिंग में बताता है कोई, आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी ने बताया होगा किसी भी वीडियो में हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में, इसी लैंग्वेज में। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ, कमेंट्स कर दें। और जो लोग नए आ रहे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दें। यहां पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है तो उसको हम काट लेंगे, क्योंकि अगर आप काटते हुए डर रहे हो प्लीज कभी मत डरो, बाल काटते हुए कभी मत डरो प्लीज। अगर आप डर जाओगे तो आप एक परफेक्ट हेयर कट नहीं कर पाओगे। अभी ये जो ए सेक्शन था तो उसको मैं डिवाइड कर लूंगा सेंटर पार्टीशन से। पहले ए सेक्शन बनाया था, आई थिंक सो मैं कर लूंगा इसको, ए पार्ट को सेंटर पार्टीशन से डिवाइड कर लूंगा। तो सारे बाल आगे लेके जाएंगे हम, ये सारे बाल भी आगे लेके जाएंगे ताकि एक अच्छा शेप आ सके बालों में, कोई बाल छोटे बड़े नहीं दिखने चाहिए। तो जब ये पोनी करेंगी तो बहुत अच्छे दिखेंगे ये बाल। मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये हेयर कट करने के बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा कि पोनी कैसे दिखती है। तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत बाल आएंगे, ज़्यादा कटने को नहीं आएंगे, तो हम उनको भी अच्छे से काट लेंगे। जस्ट सीयर, अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना थोड़े से बाल, वो काट लीजिए। तो आप सेंटर पार्टीशन मैंने कर लिया, सारे बालों को कॉम कर लिया। अभी उनका सर अगर आगे रखेंगे तो वो जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट दिखेगा। जस्ट सीयर, अगर बैक में स्ट्रेट है तो इसको फ्रंट में भी स्ट्रेट रहना चाहिए थोड़ा सा और। जस्ट सीयर, एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, बैक में भी फ्रंट में भी पता ही नहीं लग रहा है हमने बैक का हेयर कट किया या फ्रंट का। सो ये आज का फाइनल हेयर कट है, आपको कैसा लगा बताइए, लाइक शेयर कमेंट करें। ये हमारा
इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।